friends, in this video, I will talk about past indefinite tense in detail. So let's start our topic, past indefinite tense. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि past indefinite tense में हम use क्या करते हैं, इसकी बनावट क्या होती है. तो past indefinite tense में हम simple sentence में verb की second form use करते हैं और negative sentence में हम क्या यूज करते हैं, did not plus वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्योंकि do, does, did इन तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है. अब आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनते हैं, मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि जब भी आपने क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं. यह हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो डिड सबसे पहले आ गई सब्जेक्ट. तो जब भी आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा दोगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने आप में बन जाएगा. अब कई बच्चे क्या है जी, ट्रांसलेशन करते हैं. तो ट्रांसलेशन में बता दूं इसकी पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की. वाक्य के हिंदी वाले सेंटेंस के एंड में क्या आता है, ता है, सॉरी ता था, ते थे और ती थी, ये शब्द आते हैं. या फिर इसमें आता है आ, ई, ए, जैसे कल हम बाजार गए, कल हमने साइकिल चलाई, कल हमने खाना खाया, ठीक है. तो ये वाले आते हैं, ये ज्यादा आते हैं, आर ई ए ज्यादा आते हैं, ता था, ते थे, ती थी, ये कम यूज होते हैं. तो ये हिंदी में है जो इसको ट्रांसलेट करना चाहिए. ये सिंपल से इसके बनावट है. अब हम चलते हैं इसके रूल्स की तरफ कि कब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे. तो पहला जो रूल है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसके लिए यूज होता है, फॉर पास्ट ट्रूथ. अगर आप भूतकाल के विषय के बारे में बोलना चाहते हो, भूतकाल के सत्य के बारे में बोलना चाहते हो, कोई भी ऐसा ट्रूथ जो पास्ट में ट्रू था, तो उसके लिए हम एक ही टेंस लगाते हैं, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, इंडिया डैश गेट फ्रीडम इन 1947. अब हम क्या बता रहे हैं, ट्रूथ के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया को आजादी कब मिली, 1947 में. डेफिनेटली ये एक सत्य है, पास्ट का ट्रूथ है. तो अब हम कौन सा टेंस लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट में कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस में लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गेट का क्या हो जाएगा, गोट हो जाएगा. तो इसी प्रकार कोई भी अगर पास्ट का ट्रूथ आ जाता है तो उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, आपको सोचने की छूट नहीं है. दूसरा रूल क्या है, फॉर पास्ट हैबिट्स. भूतकाल की आदतों के लिए भी हम कौन सा टेंस लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस. भूतकाल की आदतें मींस हम पहले वो काम करते थे लेकिन आजकल वो काम हम नहीं करते. पहले वो काम करते थे, आजकल नहीं करते. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक गांधी जी, एक बड़ा सिंपल सा, गांधी जी डैश स्पिन वी डेली. अब यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, गांधी जी मर चुके हैं, हम उनकी आदत की बात कर रहे हैं, पास्ट के हैबिट्स की बात कर रहे हैं कि गांधी जी रोज क्या करते थे, चरखा काटते थे, आदत बता रहे हैं. तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा. स्पिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्पन, तो हमारी सेकंड फॉर्म क्या लगी, स्पन. जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, व्हेन आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, जब मैं पांचवी में था, आई डैश नॉट रन फास्ट. अब इसमें देखो हमारी आदत की बात बता रहे हैं कि जब मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में था तो मैं तेज नहीं दौड़ता था, ये मेरी आदत है, आज मैं दौड़ पाता हूं, उस समय नहीं दौड़ पाता था.
तो एक यहां देखिए सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आया हुआ है। और नेगेटिव सेंटेंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाते हैं, डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आपको दिया हुआ है, आप डिड लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें क्या दी हुई है, रन, तो क्या आ जाएगी, रन की रन। तो ये दूसरा रूल है। जब हम पास्ट ट्रुथ की बात करते हैं, पास्ट हैबिट की बात करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, पास्ट इनडेफिनेट टेंस लगाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ, ये कब लगता है। पास्ट इनडेफिनेट टेंस लगता है फॉर डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। अगर हम बात करें डिस्कवरीज खोज की, अगर हम बात करें इन्वेंशन आविष्कार की, तो आविष्कार और डिस्कवरी दोनों के लिए क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वास्को डी गामा, इंडिया का एग्जांपल देता हूं, डैश डिस्कवर इंडिया। इंडिया की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी, ये एक डिस्कवरी है। तो डिस्कवरी है तो हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, तो डिस्कवर का क्या हो जाएगा, हमारा ईडी लग जाएगा, तो ये बन जाएगा डिस्कवर। सिमिलरली अगर आप इन्वेंशन खोज पे कोई सेंटेंस बनाना चाहोगे, तो भी हमारा कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको हिंदी में सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं ये कहूं आई डैश नॉट इन्वेंट टीवी, भाई टीवी की खोज तो मैंने नहीं की, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, इन्वेंट की, कि मैंने टीवी की खोज नहीं की, बात किसमें आ गया, इन्वेंट का। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, डिड। आपको बताया नेगेटिव में डिड लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्वेंट की, इन्वेंट आ गई। इस रूल में अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको ये शब्द दिए होंगे, जैसे इन्वेंशन के लिए एक तो आपको इन्वेंट वर्ड दिया होगा, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। दूसरा आपको शब्द ये भी मिल सकता है कॉइन, कॉइन का मतलब भी आविष्कार करना होता है। एक आपको ये वर्ड भी मिल सकता है डिवाइस, आविष्कार करना। डिस्कवर के साथ इससे मिलते जुलते आपको कौन से वर्ड मिल सकते हैं, फाइंड आउट भी मिल सकता है आपको, तो उसका मतलब भी ढूंढना ही होता है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप रियल लाइफ में किसी डिस्कवरी या किसी इन्वेंशन की बात कर रहे हो, तो आपको एक ही टेंस यूज करना है, एंड दैट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको हिंदी में भी सोचने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं हमारे फोर्थ रूल की तरफ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जो हम सबसे ज्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। वो किसके लिए, पास्ट एक्शन, ऐसे एक्शन के लिए, पास्ट का एक ऐसा एक्शन whose time is given, जिसका क्या दिया हो भाई, टाइम दिया हो। तो कोई भी ऐसा पास्ट का एक्शन जिसका टाइम दिया हो, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। अब टाइम आपको इस फॉर्म में दिया होगा, आपको वर्ड ये मिलेंगे, लास्ट, यस्टरडे, एगो, या इनके साथ कोई ईयर मिल जाएगा, जैसे इन 1990, इन 2000, इन 2001, तो ये ईयर्स आपको मिल जाएंगे। स्टार तरीके से आपको पास्ट टाइम को दिखाया जाएगा। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि कल मैं दिल्ली गया, कल यस्टरडे हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां मैं पास्ट एक्शन की बात कर रहा हूं जिसका टाइम दिया हुआ है। मुझे हिंदी में भी सोचने की बात नहीं है, ऐसे आपको भी सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको पास्ट एक्शन का टाइम दिया हुआ है, लास्ट, यस्टरडे, एगो, या हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही डैश वॉच अ मूवी लास्ट संडे। He-watched a movie last Sunday. कब मूवी देखी उसने, पिछले रविवार।
हमारे को टाइम दिया हुआ है पास्ट का, तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। सिंपल सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म, वॉच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉच्ड। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आई पास्ड माय ग्रेजुएशन इन 2010, तो टाइम आ गया इन 2010, तो सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें नेगेटिव भी बना सकते हो, दैट आई डिडंट पास माय ग्रेजुएशन इन 2010, कि 2010 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पास नहीं की। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, आप किसी से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, डिड यू पास योर ग्रेजुएशन इन 2010, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आ गया। तो ये आपको रूल ध्यान रखने हैं कि कब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ रूल की तरफ कि इसको कब यूज करते हैं। अब फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज विद इमेजिनरी कंडीशन। विद इमेजिनरी कंडीशन, अब इमेजिनरी कंडीशन क्या होता है? काल्पनिक शर्त के साथ। ये हमें लगती काल्पनिक है लेकिन ये होती अप्लाई किस पे है? प्रेजेंट पे। कई बार हम कहते हैं ना रियल लाइफ में, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कर देता, अगर मैं कॉलेज का प्रिंसिपल होता तो ये कर लेता। तो हम, ये होती है इमेजिनरी कंडीशन, हम इमेजिन कर रहे हैं, बट ये इमेजिनरी नहीं होती, रियल लाइफ पे अप्लाई होती है, प्रेजेंट पे अप्लाई होती है। तो जब आप इमेजिनरी कंडीशन कर रहे हो, इस प्रकार के सेंटेंस बनाना चाहते हो इंग्लिश में, तो आपने क्या करना है? सेंटेंस को इफ से शुरू करना, क्योंकि कंडीशन है, इफ से शुरू होगा। और यहां हमारा कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है आपने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। और इधर हमेशा क्या लगेगा ध्यान रखना? वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये हमेशा ये लगेगी। इधर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। जैसे मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूं इमेजिनरी कंडीशन के, आप बोल भी सकते हो और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये टेंस करवा रहा हूं आपको। एक एग्जांपल लेते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम क्या कहते हैं? इफ आई डैश हैव मनी कॉमा आई वुड हेल्प यू। इफ आई डैश Have money, I would help you. हम रियल लाइफ में कई बार कहते हैं ना, कई बार हमारा दोस्त हमारे से पैसे मांगता है, हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम क्या कहते हैं? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तेरे को दे देता। हम हिंदी में यूज करते हैं, आप इंग्लिश में बना सकते हो क्योंकि इमेजिनरी कंडीशन है, क्योंकि आपके पास वो चीज नहीं है, नहीं है ना, प्रेजेंट पे अप्लाई हो गया। तो आप सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, have की जगह क्या, have की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? Had, तो आप क्या बनाओगे? If I had money, I would help you. मैं आपकी सहायता करता। अब वो सेंटेंस लेते हैं कि अगर मैं प्रिंसिपल होता स्कूल का तो मैं बच्चों की समस्याओं को हल करता, उसको मैं इंग्लिश में भी लेता हूं। इफ आई डैश बी द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉमन आई वुड solve the problems of the students. Clear? अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता तो बच्चों की समस्याओं को सोल्व करता। इमेजिनरी है, अप्लाई किस पे हो रहा है? प्रेजेंट पे। आज आप प्रिंसिपल नहीं हो, ठीक है? तो अब यहां पर ध्यान रखिए, बी आ गया, तो बी की कौन सी फॉर्म होती है पास्ट में? बी की पांच फॉर्म होती है, इज़म आर, वाज़ वर। इज़म आर प्रेजेंट की फॉर्म होती है, वाज़ वर पास्ट की फॉर्म होती है। अब यहां पर ध्यान रखना, जब इमेजिनरी कंडीशन आएगी तो हमेशा हम क्या लगाएंगे? वर लगाते हैं, वाज़ नहीं लगाते। वैसे आई के साथ वाज़ आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आएगा? वर आएगा, ध्यान रखना। तो आप क्या बनाओगे? इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे आप कहते हो कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो आप क्या कहोगे? इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल,
आई वुड हेल्प द पीपल, आई वुड गिव देम फ्री ग्रेन, फ्री एजुकेशन, आप जितना मर्जी बड़ा सेंटेंस बना सकते हो। तो ये हमारा है इमेजिनरी कंडीशन, ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर बी फॉर्म में वर्ब ही यूज करेंगे, यू मस्ट रिमेंबर दैट वन। नाउ कम टू द सिक्स्थ कंडीशन, सिक्स्थ कंडीशन फिफ्थ कंडीशन जैसी ही है, जो सिक्स्थ रूल है हमारा, वो कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम किसके साथ यूज करते हैं, विश और इफ ओनली, इन शब्दों के साथ भी हम सेंटेंस बनाते हैं। ये जो विश और इफ ओनली है ये भी इमेजिनरी है, पांचवी कंडीशन और ये दोनों सेम है। जैसे वहां पर भी हम क्या लगाते थे, आई के साथ हमेशा हम वर्ब लगाते थे, यहां भी वर्ब लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कई बार हम कहते हैं ना, अरे मैं उसको जानता होता, हम जानते नहीं है, अगर मैं उसको जानता होता तो आप इंग्लिश में क्या बनाओगे, इफ ओनली, अगर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इफ ओनली विश मिल के बाद मिल गया तो आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा देना, लेकिन बोलना भी आना चाहिए ना आपको इंग्लिश में कैसे यूज करना है, इफ ओनली आई डैश नो हिम। तो देखिए यहां पर इफ ओनली आ गया, हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि काश मैं उसको जानता होता, ये विश और इफ ओनली दोनों का मतलब काश है कि काश मैं उनको जानता होता। तो इफ ओनली आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा तो क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म, नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू। ये तो है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना अगर विश और इफ ओनली के बाद आपको ब्लैंक मिल जाता है तो ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, लेकिन रियल लाइफ में आपको यूज भी करना आना चाहिए इस टेंस को, कब, जब आप अपनी एक इच्छा बता रहे हो जो अभी पूरी नहीं हुई, ठीक है ना। जैसे आप कहते हो कि मैं प्रधानमंत्री होता, वही देखो इमेजिनरी है, तो आप क्या कर दोगे, आई विश आई डैश बी द प्रिंसिपल। तो यहां पर क्या आ गया, आई, तो बी की कौन सी पास्ट फॉर्म लगेगी, वॉज वर्ब, तो यहां पर क्या लगेगा, वर्ब, ध्यान रखना आई विश आई वर द प्रिंसिपल, क्लियर। सो दैट्स लाइक इमेजिनरी कंडीशन ही है, तो आपको ये याद रखना है, अब विश और इफ ओनली से भी सेंटेंसेस बना सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे सेवंथ रूल की तरफ कि हम इसको कब यूज करते हैं। सेवंथ रूल ये है कि जब एक के बाद एक एक्शन होता है, ध्यान सुनिए, इफ टू एक्शंस, इफ टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर, मान लो अगर एक के बाद दूसरा एक्शन हो जाए विदाउट टाइम गैप, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पता हम कौन से एक्शन के लिए लगाते हैं, उन एक्शन के लिए भी लगाते हैं जब दो एक्शन में टाइम गैप ना हो, दो एक्शन हो, एक एक्शन दूसरे एक्शन के तुरंत बाद हो जाए और उसमें टाइम का गैप ना हो, तो भी हम क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, क्लियर। अब इस रूल में हम क्या यूज करते हैं, बिफोर यूज करते हैं, क्या करते हैं, बिफोर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं, हम कई बार कहते हैं ना, जैसे हम क्या करते हैं, कमरे में अंधेरा है, तो अंधेरा है तो हम क्या करते हैं, कमरे में प्रवेश करने से पहले, एंटर करने से पहले क्या कर देते हैं, लाइट स्विच ऑन कर देते हैं। तो हमने स्विच ऑन लाइट की, फिर कमरे में प्रवेश किया, दो एक्शन हुआ, पहला लाइट को स्विच ऑन करना, फिर क्या है, कमरे में एंटर करना, कोई टाइम गैप नहीं है, इन दोनों में ही क्या लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम कहते हैं, कैसे, आई स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर आई एंटर द रूम, अगर रियल लाइफ में हम ये कहेंगे कि कमरे में प्रवेश करने से पहले मैंने लाइट स्विच ऑन कर दी। इसी को हम इंग्लिश में एग्जांपल देते हैं, आई डैश स्विच ऑन द लाइट बिफोर
room. I dash switch on the light before I enter the room. अब देखो इसमें दो एक्शन हो रहे हैं. पहला एक्शन क्या है? लाइट को स्विच ऑन करना. दूसरा एक्शन क्या है? कमरे में एंटर करना. दोनों एक के बाद दूसरा हो रहा है, गैप नहीं है, तो दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा. तो क्या बनेगा? आई स्विच ऑन, सेकेंड फॉर्म स्विच होती है, एंटर की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? एंटर. सो आई स्विच ऑन द लाइट बिफोर आई एंटर द रूम. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब दो एक्शन एक के बाद एक हो विदाउट टाइम गैप, तो उसमें दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा और हम क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे. तो ये आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो और ग्रामर में भी आपको पता चल जाएगा. अब मैं आपको एट रूल बताता हूं जहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज करते हैं फ्रॉम ग्रामर एंड एज वेल एज स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू. अब इसमें ये है कि व्हेन टू एक्शंस, जब दो एक्शन क्या हो, टेक प्लेस, दो एक्शन घटित हो एट द सेम टाइम. मानो एक ही समय में जब दो एक्शन हो, एक ही समय में जब दो एक्शन हो, तो हम दोनों में ही क्या लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं. आपको ध्यान रखना है जब एक ही समय में दो एक्शन हो. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. जैसे आपने देखा होगा स्कूल या कॉलेज में क्या होता है, जैसे ही कोई टीचर क्लास में एंटर होता है, बच्चे क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं. तो एक ही साथ दो काम हुए. जैसे टीचर एंटर किया, बच्चे खड़े हो गए. तो हम इसको क्या बोलेंगे अगर इंग्लिश में बोलना चाहें, क्योंकि एक साथ दो काम हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? When the teacher entered the class, the students stood up. ठीक है, इसका मैं इंग्लिश में आपको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताता हूं. When the teacher dash entered the class, the students stand up. ये करते, ठीक है. अब देखो एंटर की सेकंड फॉर्म क्या होती है? एंटर्ड. द स्टूडेंट स्टैंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्टूड. दो एक्शन एक ही साथ हो रहे हैं. इधर से टीचर ने एंटर किया, इधर से बच्चों का खड़ा होना, ठीक है. जैसे कई बार हम ये कहते हैं व्हेन द चीफ गेस्ट केम, when the chief guest came, the audience clapped. अब इसमें दो काम हो गए, चीफ गेस्ट का आना, उसी समय ऑडियंस का क्लैप करना. तो ये ध्यान रखना जब दो एक्शन एक के बाद दोनों एक्शन डिफरेंट एक्शन एक ही साथ होते हैं, तो दोनों में हम क्या लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, ठीक है. तो आज के इस वीडियो में मैं ये आठ रूल डिस्कस करूंगा. मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड पांच और छह जो और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको डिस्कस करूंगा फ्रॉम ग्रामर एंड स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज एट रूल्स विच आई हैव टॉट यू फ्रॉम ग्रामर एज वेल एज स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू. इंग्लिश सीखने के लिए आपको ट्रांसलेशन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है. दिस इज द रॉन्ग मेथड. आप इन रूल्स को ध्यान रखिए और इन रूल्स को रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए. आपको इंग्लिश अपने